वेलकम बैक टू लाइफ एंड फिटनेस। आज हम फिर से आ गए एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसे आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शूज जो होते हैं, तो आप फॉर्मल वियर कौन से शूज होते हैं, कैजुअल वियर कौन से शूज होते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको दो तीन टिप्स दे दूंगा कि आप आपका शू का लुक ज्यादा अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, उस लुक को एनहेंस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया फॉर्मल वियर में कौन से शूज पहनने हैं और कैजुअल वियर में कौन से पहनना है, तो उससे आपको जो भी कंफ्यूजन होगा शू रिलेटेड वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो मैं जानता हूँ आपको बिल्कुल अच्छी लगी, तो वीडियो पहले ही लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे चैनल पर फिटनेस फैशन लाइफस्टाइल की बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं, जो कि अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी और साथ ही साथ आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करेगी। तो चलिए वीडियो तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो उन लोगों का है जिनको अपना लुक ज्यादा एनहेंस करना है, जो चाहते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी और ज्यादा अच्छी लगे और वो अपनी लाइफ में बेटर करते रहें, खुद की लाइफ को और इम्प्रूवमेंट लाते रहें। तो अगर आपको भी ऐसे ही कोई गोल है, आपको आपका लुक अच्छा करना है, अपीयरेंस अच्छा करना है, तो ये वीडियो आपके लिए, और आप इस वीडियो को मैं जानता हूं पूरी देखेंगे अगर आपको आपको लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट लाना है। तो हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, शूज वाले की तरफ। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि कौन सा शूज पहनना है, कौन सी ओकेजन के साथ क्या चीज चलेगी, फॉर्मल वियर शू क्या होता है, कैजुअल वियर शू क्या होता है, तो बहुत सारे कंफ्यूजन कर देंगे। मैनी सक्सेसफुल पीपल सेड कि आर शूज शोज आर पर्सनैलिटी। तो अगर आपके शूज अच्छे होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगेगी, क्योंकि शूज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, एक ड्रेस का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शूज पहनना। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल वियर के बारे में, फॉर्मल वियर में कौन से शूज होते हैं। सबसे पहली बात तो लेदर शूज होते हैं। लेदर शूज ज्यादातर पहने जाते हैं, जैसे कि आप कहीं मीटिंग में जा रहे हो, बिजनेस कुछ है वहां जा रहे हो, या कोई भी फॉर्मल ओकेजन हो तो वहां पे आप ये लेदर शूज पहन के जा सकते हो। सेकेंड नंबर पे लेदर शूज नहीं आते, ग्लॉसी लेदर शूज, जो कि आजकल आपने देखा होगा शादियों में लोग बहुत ज्यादा पहन के जाते हैं, उन शूज में एक अलग ही शाइन रहती है और एक वो लेदर की ही होता है, तो उनको ग्लॉसी लेदर शूज कहा जाता है। तो ये दोनों थे फॉर्मल के एग्जाम्पल। थर्ड नंबर पे आते हैं सबसे कॉमन, जो कि कहते हैं लोफर्स। लोफर शूज आजकल बहुत ज्यादा पहने जाते हैं, ज्यादातर वो बिना लेस वाले आते हैं। तो ये तो तीन थे कि लेदर शूज, ग्लॉसी लेदर शूज और लोफर्स, ये तो थी फॉर्मल शूज के एग्जाम्पल। और अगर आप किसी अच्छी दुकान पर जा रहे हो, जो शूज की बहुत टाइम से दुकान है या जिसकी अच्छी रेपुटेशन है, अगर आप उसको बोलोगे फॉर्मल शूज दिखा दे तो वो फॉर्मल शूज ही दिखाएगा। पर बहुत लोग होते हैं कैजुअल वियर, स्पोर्ट्स वियर कुछ भी पहन के कहीं पे भी चल जाते हैं, तो उनका लुक अपने आप डाउन हो जाता है, क्योंकि सामने वाले एक बार में जज कर लेता है कि कौन सा शूज क्या है और उसकी ओकेजन के हिसाब से वो चीज चल रही है या नहीं चल रही। तो अब हम आगे बात करें कैजुअल शूज के बारे में। हम आते हैं कैजुअल वियर शूज के ऊपर। कैजुअल वियर शूज में सबसे पहले एग्जाम्पल आते हैं स्नीकर्स, फ्लिप फ्लॉप और कैजुअल लोफर। जैसे मैंने लोफर बताए थे, पर इधर हम आते हैं कैजुअल लोफर्स पे। अगर आप फॉर्मल में अगर जूते ले रहे हो तो ज्यादा ब्राउन या ब्लैक कलर के होंगे, पर यहाँ पे कैजुअल लोफर्स में आप ब्लू कलर के, रेड कलर के, दो तीन कोई अलग अलग कलर के पहन सकते हो, पर वहां पे आप ज्यादातर ब्लैक या ब्राउन ही पहनोगे। तो ये तो आपको कैजुअल लोफर का समझ में आ गया होगा लोफर से कंपैरिजन क्या है। अब आते हैं स्नीकर्स की तरफ। स्नीकर बहुत ज्यादा यूज होते हैं और आजकल के बॉयज गर्ल्स में ये सबसे ज्यादा चीज चल रही है, हर इंसान स्नीकर्स लेना पसंद करता है और सबके पास एक या दो जोड़ी स्नीकर्स के होते ही होते हैं। तो तीन एग्जाम्पल थे कैजुअल वियर शूज, क्लॉफ, लोफर्स और स्नीकर्स, ये तो एग्जाम्पल हो गए कैजुअल वियर के। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, लेदर वाली चीज आप अगर कैजुअल वियर में पहन के जाओगे या पार्टी में पहन के जाओगे वो अच्छी नहीं लगेगी, और वैसी सेम चीज होती है स्पोर्ट्स वाले शूज आप उधर पहन के जाओगे तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इस वीडियो का मैं एक सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, जिसमें हम और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे स्पोर्ट्स वियर शूज वगैरह उनके ऊपर। तो ये तो आपको समझ आ गया फॉर्मल वियर शूज के हैं, कैजुअल वियर शूज के हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल के साथ कि कौन से कहाँ पहनने चाहिए। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जिससे आप आपके शूज का लुक अच्छा एनहेंस कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको आपके शूज को नीट एंड टाइडी रखना है। बहुत लोगों की आदत होती है जैसे शूज होंगे उनको पहन के चल जाएंगे, एक ब्रश तक नहीं मारते हैं, तो वो चीज हमें नहीं रखनी। ये वीडियो आप क्यों देख रहे हो, आपको लुक आपका एनहेंस करना है। तो अगर आप गंदी चीज पहन के जाओगे, जूतों को साफ नहीं करोगे, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। तो जूतों को जरूर आपके साफ करना, जिससे कि आपके जूते और अच्छे दिखें। सेकंड नंबर पे हमारी टिप आती है कि एक मिथ होती है कि हम ब्रांडेड शूज पहनेंगे तो ही अच्छे लगेंगे वगैरह। नहीं, हम ब्रांडेड इसलिए नहीं कहते कि उस पर एक ब्रांड का लोगो है, लोग देख के कहेंगे ये शो ऑफ कर रहा है, अच्छा लग रहा है, ये सब चीजें नहीं है। ब्रांडेड शूज इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि मटेरियल अलग होता है। अगर मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक जो कोई आप सस्ता सा जूता लिया होगे 200-300 रुपए में, उसका मटेरियल अलग होगा, एक आप अच्छे ब्रांड का लाओगे उसका अलग होगा। जैसे मेरी टी शर्ट है, इसका मटेरियल आपको लग रहा है कि अच्छा होगा, पर मैं कोई और पहनूँ तो उसका मटेरियल गंदा होगा, रफ होगा, धागे बाहर आ जाएंगे। तो जूतों में भी ऐसे ही होता है, वो जल्दी इजिली फट जाते हैं, ना उनकी अच्छी क्वालिटी रहती है। तो ब्रांडेड जो शूज होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, पहली बात वो आपके शूज के शेप के हिसाब से होते हैं। जो होते हैं सस्ते वाले, इनकी कोई शेप नहीं होती, ये आपके शूज आपकी जो लेग की शेप है उसको भी खराब कर देंगे, आपके फुट की शेप
खराब कर देंगे, अंगुलियाँ अंगुलियाँ दब जाएगी, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। पर अगर हम एक ब्रांडी लाएंगे तो उसमें शू की एक सेप होगी जो हमारे फुट के हिसाब से कंफर्टेबल होगी, वो चीज़ उनमें नहीं होती जो सस्ते आते हैं लोकल आते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लोकल बेकार हैं, लोकल में भी अच्छी वेराइटी आती होगी, कुछ कह नहीं सकते हम। तो इसलिए हो सके तो आप ब्रांडेड के भी लाएँ, क्योंकि उसमें क्वालिटी अच्छी होती है, मटेरियल अच्छा होता है, शू की वो सेप अच्छे से ले लेता है, तो वो आपके आपके फुट को कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये पॉइंट्स और फॉर्मल वेयर कैजुअल शूज़ का आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे डीएम कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।